बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन पिनव्हील, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं, चिकन लिया मैंने आधा किलो, इसके साथ मैंने मैदे की डोली, इसकी रेसिपी मैं साथ ही अंदर शेयर कर दूँगी इस वीडियो में। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया, 1 टीस्पून नमक लिया, अदरक पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, 2 दर्द मैंने ग्रीन चिली ली। ग्रीन चिली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ऐड ना करें ग्रीन सब्ज मिर्च, रेड भी ऐड कर सकते हैं। अब चीज़ें तो मैंने बता दी, अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तब तक आप जल्दी से देसी खाना टिप को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। एक पैन लिया, इसमें ऑयल ऐड किया, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें कीमा ऐड करूंगी। कीमा ऐड किया, कीमा पिंक है, इसको व्हाइट होने तक मैं पकाऊंगी। दो से तीन मिनट में ये वाइट हो गया, अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर मिक्स किया, अब मैं इसमें सब्ज मिर्च ऐड करूंगी। मिक्स किया, अब इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है, अब ये रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, फ्लेम ऑफ कर दूँगी और अब मैं डो तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। इसमें मैंने मैदा ऐड किया, पानी मुझे जो है वो नीम गर्म कर लेना है ताकि मेरा आटा अच्छे से गूंदा जाए और जल्दी गूंदा जाए। मिक्स मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे करके इस पर मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, घी, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप दूसरा यूज़ कर लें, यानी कि बटर नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर इतना तो होगा ही, घर में हर घर में होता है, ये इसको ज़्यादा टेस्टफुल बनाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी नमक और घी को। इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी।
सारा पानी एक साथ हरगिज़ ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि हमें ये ऑयली की तरह चाहिए डो जो होगी। तो इसको अगर आप सारा पानी एक साथ ऐड कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, उसको गूंदना है। 10 से 15 मिनट तक मैंने आटे को गूंदा है। एक पेड़ा बना लिया मैंने और मैदा टेस्ट कर लिया। अब इसको बेल के इसकी रोटी बनाऊंगी। रोटी बेल ली मैंने, अब इसमें मैं फिलिंग करूंगी। फिलिंग हो गई, अब मैं इसको रोल करूंगी। रोल कर लिया, मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग कर ली इस तरह से। मैंने सारे पिन व्हील जो है वो रेडी कर लिया। मैं इनको फ्राई करूंगी। आज जो है मुझे गरम करना है मीडियम फ्लेम पे, और साथ ही मैंने कटोरी में हाफ कप पानी लिया, उसमें 2 टीस्पून मैं मैदा ऐड करूंगी। उसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। इसका मुझे पतला सा एक मिक्सचर तैयार करना है, जो कि फ्राई करने से पहले चिकन व्हील पिन व्हील पे मुझे अप्लाई करना है। एक पीस डाल के मैंने ऑयल को चेक कर लिया है, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं अपने चिकन पिन व्हील को फ्राई कर लूंगी। इसको एक पीस लूंगी और मैदे का और पानी का जो मैंने मिक्सर रेडी किया है उसमें डिप करके इसको फ्राई कर लूंगी। इनको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहें तो आप इस तरह से इसको हाफ फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, और जब चाहें इसको फ्राई करके खा सकते हैं। हमारे गर्मा गर्म चिकन पिन व्हील रेडी हैं। आप इसको एंजॉय करें चाय के साथ, बच्चों के टिफ़न में यूज़ करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।